तो दोस्तों ये देख सकते हैं जंग लगा हुआ, नेट हमारा खुल नहीं रहा था। ये बिल्ड स्कूल का एक प्रोडक्ट है, इसे हम इसको हीट गन बोलते हैं और इसको हम यहाँ से गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इसको खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं नेट हमारा खुलता है कि नहीं। इसको हमने दो नंबर पे करके हीट कर लिया, पेचकस की सहायता से खोलेंगे और देख सकते हैं कि ये जंग लगा हुआ नेट जो हमारा नहीं खुल रहा था वो हमारा नेट खुल गया है। तो ये हीट गन्स काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट, काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली है। यहाँ पर दूसरा भी नेट है, इसको भी गर्म कर लेंगे और इस सारे नेट जो हमारे थे इसी से हमने हीट करके और सारे नेट को हमने खोल दिया। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको किस जंग लगे हुए नेट को आसानी से खोल सकता है। तो जैसा कि आप हमारे सामने देख पा रहे हैं बिल्ड स्किल की तरफ से जो हमें देखने को मिल रहा है ये हीट गन, जो कि हमें देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये है। आज करने वाले हैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताएंगे और चीज़ को दिखाएंगे भी। तो वीडियो को पूरा लास्ट रहेंगे, वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों से शेयर करो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये पैकिंग देख सकते हैं, इस पर एक हमने अमेजोन से इसको हमने ऑर्डर किया था और इस पर देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है और इसके प्राइसेस और कंपनी की सारी डिटेल्स इस पर लिखी हुई है। और ये चीज़ देख सकते हैं अमेजोन से हमने ऑर्डर किया था, तो अमेजोन की पैकेट इसके ऊपर लगी हुई थी तो उसको मैंने पहले फाड़ के निकाल लिया था, इसको यूज़ किया, उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया। इसके अंदर चलते हैं, खोल के देखते हैं तो बिल्ड स्किल की तरफ से हमें ये जो देखने को मिलता है ये हीट गन है। ये अगर आप मोटर वाइंडिंग का, सीलिंग फैन का वाइंडिंग का काम करते हैं तो ये आपको, और ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं मैनुअल, इसमें आपका इंट्रोडक्शन जो है सारा है, इसमें कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या चीज़ ये मशीन में है। डब्बा को हम इधर, डब्बे को हम साइड में कर लेते हैं और साइड में करने के बाद ये जो इंट्रोडक्शन मैनुअल बुक है इसको हम देखते हैं। इसके अंदर सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, बताए गए हैं कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे चलाना है, क्या सब करना है, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है, ये सब देख सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ इसमें भी ये देख सकते हैं, इसमें कैप्शन किया गया है कि आप क्या क्या चीज़ इससे कर सकते हैं, तो सारी चीज़ लिखी हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इसके नेट, जो नेट पे जंग लगे रहते हैं हमारे नेट नहीं खुलते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो बुक इसमें सारी डॉक्यू लिखे हुए हैं तो इसको हम कर लेते हैं साइड। उसके बाद इस गन को निकालते हैं और देखते हैं ये हीट गन कैसे है। तो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला। इसकी जो प्लास्टिक का जो ऊपर का ये है ये काफ़ी हमें अच्छा देखने को मिला, काफ़ी हैवी ड्यूटी में प्लास्टिक इसकी है, यानी अगर ये हीट होगा तो ये प्लास्टिक गलने की कोई उसमें वो नहीं है। इसमें ये देख सकते हैं स्विच है, इसमें 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर ये दिया गया है और ये काफ़ी तो हैवी वेट है, मतलब लाइटली वेट है। और इसके बाद फिर हमें इसका जो लीड देखने को मिलता है, लगभग 1.5 से 2 मीटर हमारा इसका लीड हमें देखने को मिलता है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हमें लगी, 2-3 दिन इसको हमने यूज़ किया, उसके बाद वीडियो बनाया है और देखा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, लेकिन 1.5 से 2 मीटर इसकी लीड है। लीड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमने कूलर जंग लगा हुआ था उसको, कूलर को हमने खोला है। ये देख सकते हैं, ये सब जो देख सकते हैं जंग लगा है, सारा नेट था, इसी से हीट करके आप खोल सकते हैं और ये हमने देखे पूरा कूलर खोल के रखे हैं और ये जो हमने खोला है इसी से खोला है। तो अगर आपको इसको परचेज करना है दोस्तों, अगर आपको इसको परचेज करना है तो डायरेक्ट आके अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये हमें देखने को मिलता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे दोस्तों का शेयर करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।